तो हमने इसके पूरे पार्ट को डिसेम्बलिंग कर लिया, और जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें इसका जो ये लपेटा है स्टीयरिंग रड का, वो बिल्कुल पूरी तरह से ये कटा हुआ है। इसका घाट ये ऊपर से जिस जगह में बॉल चलता है, तो जैसा कि देख सकते हैं जहाँ पे बॉल चलता है इस गरारी में, तो ये पूरी तरह से इसमें खराच है, कटा हुआ है बिल्कुल। तो मुख्य रूप से ये हमें इसका ये चेक नेट और लपेटा दोनों को चेंज करेंगे, और हमने इसका जो जो पार्ट्स चेंज करना है, ये पूरी तरह से ये स्टीयरिंग किट, ये बॉल और ये बड़ा वाला ऊपर वाला बॉल और इसका सील और ये बैरिंग बॉल का सॉकेट, तो ये सारे जो स्टीयरिंग किट में आता है वो किट को हम पूरी तरह से इसमें चेंज करेंगे और असेंबल करेंगे एक एक करके सारे पार्ट्स को। तो ये हमने मंगाया है इसका लपेटा, जो कि ये पूरा इसके साथ सेट आता है, चेक नेट बॉल छर्रा और लपेटा इसी में सेट रहता है। और जैसा कि देख सकते हैं इसका पार्ट नंबर है 2125683K01, और इसका MRP प्राइस है, जो कि ये वीडियो में हल्का सा नज़र आ रहा होगा, 2787 रुपया, 2787 रुपीज़। तो इसे भी हम डिसेम्बलिंग करेंगे, खोलेंगे, बाहर निकालेंगे। तो इसका ये मेन स्टीयरिंग रॉड और इसके साथ साथ इसका ये चेक नेट भी, तो मुख्य रूप से हमें इसे ही चेंज करना था, क्योंकि इसके जो बॉल चलते हैं वो गरारी पे, वो गरारी पूरी तरह से इसका फेस कटा हुआ था, जिसके कारण से इसमें प्लेइंग था। तो इसे भी हमने नया मंगाया, और इसके बाद हम इसके सारे जो न्यू पार्ट्स है उसे चेंज करेंगे। तो ये पुराना वाला और ये जो अभी हमने मंगवाया नया, तो इसी को हमें असेंबल करना है। और ये पुराना वाला स्टीयरिंग रड है, जो कि ये टैफे कंपनी का ओरिजिनल पार्ट था, जो हमने ये नया मंगवाया, तो अभी हम एक एक करके असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सेटिंग कर लेंगे सिम को एडजस्ट, और इसको बाहर में ही हम इसका सिम का एडजस्टिंग कर लेंगे ताकि इसमें प्लेइंग ना आए। तो ये बॉल को हमने लगाया, और इसमें जो सिम है, तो जैसा कि देख सकते हैं ये सिम से हम एडजस्ट करते हैं, और इसे से हमें कम और ज़्यादा करके सेट करना होता है। तो अभी हम इतना सिम डालकर और उसके बाद इसे सेट करेंगे। तो ये अभी हमने इसमें कम ही सिम डाला है, और डालकर एक बार इसे टाइट करके चेक कर लेंगे। और इसी से हमें सिम से सेटिंग करना होता है इसका ये क्लियरेंस, और ये गैप नहीं होना चाहिए, हल्का सा पकड़ होना चाहिए, लेकिन इसमें ये दोनों के बीच में, सेक्टर साहब के बीच में, ये चेकनेट को प्लेइंग नहीं होना चाहिए, हल्का सा पकड़ होना चाहिए। अगर ये प्लेइंग होगा तो फिर चलते समय इसमें फॉल्स आएगा, फ्री आएगा, तो स्टीयरिंग में फ्री चाल भी होगा। तो अभी हमने इसमें कम ही सिम डाला है, और जब ये टाइट होगा तो इसमें हमें सिम को बढ़ाना होगा, और जब इसमें गैपिंग आएगा तो इससे हमें सिम को बाहर निकालना होगा। इसी तरह से हम इसका एडजस्टेबल सेटिंग करते हैं सेक्टर शाफ्ट और चेकनेट के बीच में। तो अभी हम इसे फुल टाइट करेंगे और चेक करेंगे कि टाइट है या तो फ्री है। तो इसे ये दोनों 10 mm के बोल्टों को फुल टाइट करना होता है, और हमने इसे फुल टॉर्क में टाइट किया, और आपने देखा कि इसमें हमने एक लिमिट में सिम को डाला। और अभी हम इसे ये रिएक्टर शाफ्ट को चेक करेंगे, तो ये इस तरह से मोमेंट होना चाहिए, और देख सकते हैं पूरी तरह से जाम है, ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा, तो ये जाम हो चुका है। तो इसका मतलब है कि हमें इसमें और सिम को बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर से हम इसे खोलेंगे, और खोलने के बाद फिर से हम सिम को डालेंगे, और उसके बाद दोनों नट को फ्री टाइट, फुल टाइट होना चाहिए, ये दोनों नट, लॉक नट जो ये प्लेट को चापता है, तो ये नट, दोनों नट को फुल टाइट होना चाहिए, और फुल टाइट करने के बाद इसको मोमेंट होना चाहिए ऊपर नीचे। तो हम इस तरह से इसे सेट करते हैं, और अभी कितना जाम है, तो इसके लिए हमें इसमें और सिम को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा इसमें क्लीयरेंस रह जाता है, फ्री रह जाता है, फ्री के बाद प्लेइंग रह जाता है ये दोनों के बीच में, सेक्टर शाफ्ट और चेकनेट के बीच में, तो उससे हमें उसमें उस समय हमें सिम को घटाना पड़ता है। लेकिन अभी जाम हो रहा है, तो हम इसमें सिम को बढ़ाएँगे। तो ये हमने नया सिम को भी मंगवाया था, किट में ही था, और हमें सिम को बढ़ाना होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सेक्टर शाफ्ट और चेकनेट के बीच में टाइट था, टाइट मोमेंट हो रहा था, तो उतना टाइट मोमेंट नहीं होना चाहिए। तो अभी और हम सिम को बढ़ाएंगे इस तरह से, और ये सिम को बढ़ाने के बाद फिर से हम ये
पिन को लगाएंगे और अच्छे से दोनों बोल्ट को फुल टाइट होना चाहिए। जब भी हम इसे चेक करेंगे इसका फ्री प्ले चेक नेट का, तो ये दोनों बोल्ट पूरी तरह से फुल टाइट होना चाहिए, ये प्लेट पूरी तरह से कंप्रेस होना चाहिए। तो फिर से हम इसका बोल्ट को टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद से इसका मोमेंट फ्री प्ले का चेक कर लेंगे और ये बाहर में ही चेक करके और फिर से हम उतना सिम जितना डाला हुआ है उतना सिम में एडजस्ट करके अंदर में असेंबल करेंगे। तो इस तरह से बाहर में हमें इसका सेटिंग कर लेना होता है ताकि इसमें सेट करने के बाद स्टेयरिंग में फ्री चाल ना आए या किसी तरह से स्टेयरिंग में टाइट कटाई का प्रॉब्लम ना आए, तो ये ज़रूरी है। तो इस तरह से हम इसके दोनों नट को फुल टाइट करेंगे और उसके बाद फिर से हम इसका प्लेइंग को चेक करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं ये तो ऊपर नीचे मोमेंट हो रहा है, लेकिन इसमें प्लेइंग इस तरह से आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि देख सकते हैं इसमें हल्का सा इस तरह से आगे पीछे प्लेइंग हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें और सिम को कम करना होगा। तो अभी हम खोल के और फिर से इसके सिम को बाहर निकालेंगे, क्योंकि इसमें सिम ज़्यादा हो गया है, इसी के कारण से इसमें हल्का सा प्लेइंग भी आ रहा है। तो दोनों बोल्ट को खोलेंगे और इससे कुछ सिम को हम बाहर निकालेंगे और उसके बाद हम फिर से टाइट करेंगे और उसके बाद इसे चेक कर लेंगे। बाहर में ही इसका सेटिंग पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम स्टेयरिंग बॉक्स में इसके सेक्टर शाफ्ट को और ये चेक नेट और स्टेयरिंग रड को असेंबल करेंगे पूरी तरह से। तो इसमें हमें और सिमों को बाहर निकालना होगा। तो हमने इससे एक सिम को बाहर निकाला और अभी फिर से हम इसे लगाएंगे और फिर से दोनों बोल्टों को अच्छे से टाइट कर लेंगे और फुल टाइट करने के बाद इसका प्लेइंग और इसका जाम दोनों पोजीशन को हमें देख लेना है। प्लेइंग भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा जाम भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा जाम सेक्टर शाफ्ट चेक नेट के ऊपर मूव होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम है, स्टीयरिंग का हार्ड कटाई होगा, उसमें ताकत ज़्यादा लगाना पड़ेगा स्टीयरिंग को कटाई करने में। और अगर इसमें प्लेइंग रहेगा तो स्टीयरिंग में फ्री चाल आएगा। तो हमें इसका सेटिंग करना ज़रूरी होता है और हम इस तरह से इसका सेटिंग करते हैं, इसके सिम को घटाना बढ़ाना इसके सेटिंग के अनुकूल करना होता है और ये ज़रूरी है स्टीयरिंग के सिस्टम के लिए। तो इस तरह से इसे हम टाइट कर लेंगे और दोनों बोल्टों को फिर से टाइट करेंगे एकदम से फुल, और फुल टाइट करने के बाद फिर हम चेक करेंगे। तो अभी देख सकते हैं ये थोड़ा सा जाम चल रहा है, ये मोमेंट हल्का सा मेरे हिसाब से जाम ही है। तो हम इसमें एक सिम को बढ़ाएंगे और वो भी उसका थीन जो पतला सिम आता है उसे हमें एक सिम और डालना होगा। तो फिर से हम खोलेंगे इसे, इसके दोनों बोल्टों को, और खोलने के बाद फिर से इसमें हम एक पतला वाला सिम को बढ़ाएंगे और इसमें सिम का भी साइज अलग अलग होता है। तो दोनों बोल्टों को खोलकर और एक सिम को और हम बढ़ाएंगे, तो इसमें सिम का भी साइज अलग अलग है। तो जो पतला वाला सिम है उसी को इसमें डालेंगे, क्योंकि हमें और हल्का सा फ्री चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा जाम हल्का सा जाम ज़्यादा था। तो एक सिम को हमने ये बढ़ाया और फिर से हम ये दोनों बोल्टों को टाइट करेंगे इस तरह से, और दोनों बोल्टों को फुल टाइट करना होगा ताकि इसका फ्री प्ले का पूरी कन्फर्म पता चल सके। तो इसका सेटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसका सेटिंग गड़बड़ होगा तो फिर उसके साथ स्टीयरिंग का आयु भी कम और स्टीयरिंग में गड़बड़ कटाई बबलिंग बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो इसका थोड़ा टाइम लगता है सेटिंग करने में। तो इस तरह से हम दोनों नट को फुल टाइट कर लेंगे
और फिर से हम इसको एक बार चेक कर लेंगे इसका प्लेइंग। तो प्लेइंग तो बिल्कुल फ्री है जैसा कि देख सकते हैं, और इसका प्लेइंग भी एक बार चेक कर लेना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है सेटिंग, और इसमें इस तरह से आगे पीछे सेक्टर शाफ्ट में प्लेइंग भी नहीं होना चाहिए, तो ये प्लेइंग भी नहीं है और बिल्कुल फ्री है जैसा कि देख सकते हैं। बिल्कुल भी इस तरह से आगे पीछे प्लेइंग नहीं है और फ्री है। तो अब हम इसे खोलेंगे और खोल के जितना सिम को हमने इसमें डाला है उतना सिम को इस तरह से अलग रख लेंगे, और इसको हम स्टेयरिंग बॉक्स में असेंबल करेंगे। तो जल्दी से दोनों नट को खोल लेंगे। तो इसको हमें खोल लेना है, और खोलने के बाद इसे अलग जितना सिम को हमने इसमें डाला था से इस तरह से हम अलग में रख लेंगे। और अब हम ये सेक्टर शाफ्ट को फिटिंग करेंगे, और इसका बाकी का बूस बिल्कुल ठीक था, तो हमने ये सेक्टर शाफ्ट को नहीं निकाला था क्योंकि इसका बूस का जॉब नहीं करना था। तो ये देख सकते हैं इसमें बॉल को लगा लेंगे ग्रीस डालकर। तो ये बॉल को भी हमने लगा लिया है, और अब हम इसके बाद में ये स्टीयरिंग रॉड को लगाएंगे चेक नट के साथ में। तो इस तरह से ये बाहर की तरफ रखकर और इसे हम आसानी से बैठा लेंगे उसमें। और बॉल को ध्यान रखना है कि वो छटक कर गिरे ना, क्योंकि वो गिर भी सकता है, तो इसीलिए हमें ध्यान में रखना होता है उसका। और इस तरह से हम आराम से बैठा लेंगे। तो ये पूरी तरह से बॉल में बैठ चुका है, और अब हम इसका पिन दूसरे साइड से लगाएंगे। तो जितना हमने इसका सिम का एडजस्टिंग किया था उतना ही हम अलग रख दिया था, और इसे सेट कर लेंगे अच्छे से। और इसके दोनों बोल्ट को हमें 10 mm के बोल्ट को अच्छे से इसमें लगा लेना है, और लगा के फुल टाइट कर लेना है, क्योंकि हम पहले ही इसका प्लेइंग चेक कर चुके थे और जितना सिम हमने इसमें एडजस्ट किया था उतना ही सिम को हमने अलग रख दिया था। और अभी हम इसमें सीधा असेंबल करेंगे। तो पहले बोल्ट को लगा लेते हैं और टाइट कर लेते हैं। ये फुल टाइट हो चुका है करीब करीब। तो अब हम ये दोनों नट को लॉक कर लेंगे। तो ये सेक्टर शाफ्ट को इस तरह से इसमें सेट कर लेना है, और देख सकते हैं दोनों का लास्ट वाला टीथ मैच हो जाना चाहिए। तो इस तरह से घुमा के हम इसे चेक भी कर लेंगे इस तरह से, ये देख सकते हैं। तो इस तरह से घुमा कर इसे चेक कर लेना है, और ये ध्यान देना है कि ये दूसरा वाला टीथ नीचे का सेक्टर 7 का दूसरा टीथ ऊपर के दूसरा हॉल में मैच होना चाहिए। जैसे ऊपर का जो सेक्टर शाफ्ट है उसका दूसरा हॉल सेकंड हॉल फर्स्ट हॉल और ये सेकंड हॉल, और नीचे का दूसरा सेकंड टीथ पहला टीथ और ये दूसरा टीथ। तो ऊपर का सेक्टर शाफ्ट का दूसरा हॉल और नीचे सेक्टर शाफ्ट का दूसरा टीथ, ये इस तरह से मैच होनी चाहिए पूरी तरह से, तभी इसकी कटाई पूरी तरह से दोनों साइड में बराबर कटाई होगा। तो ये इसका सील को चेंज करना है, ये पुराना वाला सील और ये नया वाला सील है। तो इसे भी हमें दोनों तरफ चेंज ही कर लेना है ताकि आयल का लीकेजिंग ना हो। ये पूरी तरह से बैठ चुका है, और इसे हम सेट करेंगे। तो हम इसके ये कैप को लगाएंगे और इसमें पेस्ट लगा लेंगे ताकि इससे आयल का लीकेजिंग ना हो। तो इस तरह से हम इसके चारों तरफ अच्छे से पेस्ट को लगा लेंगे, और ये पेस्ट पैकिंग बन जाता है, तो इसको लगाना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर पैकिंग नहीं है तो आप पेस्ट भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से अच्छे तरह से चारों तरफ पेस्ट लगाने के बाद ये कवर को लगाएंगे, और इसके
चारों बोल्ट को टाइट कर लेंगे फुल टाइट। तो इस तरह से हम अच्छे से इसके एक कैप को लगा लेंगे। तो जल्दी से इसके नट और बोल्ट को हमें टाइट करना है। तो इसके ये चारों बोल्ट को हमें टाइट कर लेना है अच्छी तरह से। सील को असेंबल करेंगे। तो इस तरह से ये सील को हमें यहाँ लाना होगा। तो इस तरह से आसानी से इसे बैठाना होता है और इसका जो ये घाट है वो घाट में लाकर सेट करना होता है। इस जगह पे ये घाट बना हुआ है तो इस तरह से आसानी से बैठा लेंगे। और ये सील है जो कि ऊपर वाला जो बैरिंग होता है उसमें जो हम ग्रीसिंग करते हैं, ग्रीस डालते हैं, वो ग्रीस को ये इस तरफ आने नहीं देता है, इसीलिए कंपनी ने सील दिया है। अब हम इसके ये बैरिंग कोन को अच्छे से लगाएंगे। तो ये सॉकेट इस तरह से, ये प्लेन भाग है, ये इस तरह से ये टेपर का कटिंग ऊपर में रख कर इस तरह से बैठा लेंगे। और उसके बाद ये दूसरा वाला ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ इस तरह से, इस पर बॉल, ये फेस पे बॉल का छर्रा चलता है, तो इस तरह से बॉल, तो इस तरह से सॉकेट को बैठा लेंगे सीधा। इसमें हम अच्छे से ग्रीस को लगा लेंगे ताकि फिर इसका पाइप लगाने के बाद यहाँ तक ग्रीस डालने में प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से हम इसमें हल्का सा ग्रीस डाल लेंगे। और इसके बाद अब हम इसमें छर्रे को बैठा लेंगे। तो ये मोटा वाला छर्रा है बॉल का और इसमें 12 पीस रहता है और ये ऊपर में 12 पीस लगता भी है, तो इसे भी खोलेंगे। तो ये बॉल को भी हम अच्छे से एक एक करके बैठा लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से इसके सारे बॉल को अच्छे से बैठा लेंगे। तो इसमें हम पैकिंग के जगह पे ये पेस्ट भी लगा लेंगे ताकि आयल लीकेजिंग ना हो। तो हम ज़्यादा इसमें पेस्ट ही यूज करते हैं और ये पेस्ट भी, तो हम पेस्ट को अच्छे से इस तरह से लगा लेंगे। और लगाने के बाद इस पाइप को हम सेट करेंगे, फिटिंग करेंगे। तो इस तरह से इसके पाइप को लगाएंगे और इस तरह से इसके पाइप को अच्छे से सेट कर लेंगे। और इसके ये चार बोल्ट, ये चारों बोल्ट को अच्छे से फुल टाइट करना है पहले। तो ये बोल्ट को टाइट कर लेंगे और ये बोल्ट को टाइट करने के बाद ऊपर वाला जो इसका बैरिंग कोन है उसको सेट कर लेंगे। तो ये इस तरह से इसमें ओरिंग भी लगा लिया है जैसा कि देख सकते हैं। और ये ओरिंग का काम है कि ऊपर से डस्ट को बैरिंग बॉल के ऊपर ना जाने देना, यानी कि डस्ट को ये रोकता है और बैरिंग को ख़राब होने से बचाता है। इसे इस तरह से हम टाइट कर लेंगे इसके जो बैरिंग कोन है और इसे अच्छी तरह से बैठा लेंगे। और इसमें इस तरह का किसी तरह का ऊपर नीचे का प्लेइंग नहीं होना चाहिए। अब हम स्टीयरिंग व्हील को लगाएंगे और उसके बाद इसका फ्री चाल को चेक कर लेंगे स्टीयरिंग के। और इसके बाद हम इसे टाइट कर लेंगे अच्छे से और इतना ही पे, जितना पे हमें ये नीचे वाला बैरिंग को, बैरिंग कोन को एडजस्ट किया था उतना पे हम इसे जाम कर देंगे, लॉक कर देंगे इस नट से। और लॉक करने के बाद ये नट को भी लॉक करेंगे ये लॉक वाशर से और नीचे वाला नट को भी लॉक कर लेंगे और इसके बाद हम इसे असेंबल करेंगे। तो अभी हमें इसके ये बोल्ट से आयल को डालना है ये स्टीयरिंग बॉक्स असेंबल में और इसका ये आर्म को लगाना है, आर्म सेट करना है। और इसके बाद हम इसे ट्रैक्टर में असेंबल करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से इसके स्टीयरिंग सिस्टम को, स्टीयरिंग बॉक्स को असेंबल किया जाता है। तो इस तरह से ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो देखने के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को इसकी नॉलेज और जानकारी भी मिले। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।